वो लोग सब स्वस्थ रहने वाले हैं। ये मीटिंग जो है सेशन वाइज चलेगी, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का, आधे घंटे का, जैसे भी उनका निर्देश होगा उस हिसाब से ये बैठक की जाएगी। आपको क्या लगता है यहाँ के उद्योगों में क्या क्या खामियां हैं जो वहाँ पे जाकर रखी, सबसे ज्यादा खामी क्या मानते हैं, क्योंकि शो विंडो है नोएडा उत्तर प्रदेश। देखिए जी, मेरा जो मानना है, जैसा कि हमने पहले आपसे एक बिंदु लाए हैं, वन विंडो सर्विस एक ऐसा बिंदु है, अगर हो जाए मेरा ख्याल 90% करप्शन तो खत्म हो सकती है। क्यों, किसी अधिकारी को आपको मिलने की जरूरत नहीं, वो ऑनलाइन में आपका सारा काम खत्म हो जाए, उसी को संबंधित सारे काम हो जाएंगे। दूसरा, जैसा कि मैडम ने आपको अवगत कराया एफका के लिए, आज की तारीख में रेट इतने ऊपर हो गए हैं, चाहे औद्योगिक कहें, चाहे आप कमर्शियल कीजिए, चाहे आप रेजिडेंशियल कीजिए, रेट इतने ऊपर हो गए हैं, एक बेचारा जो घर में भी उद्योग लगाना चाहता है उसको भी अनुमति नहीं है, उसको भी अनुमति नहीं है कि घर में जो कुछ चला रहे हैं। और बाहर की लैंड कॉस्ट इतनी है वो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि हमारी जो मिनिस्ट्री है एमएसएमई, वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो लोन संबंधी बातें हैं वो लोन में आपको ना तो आपको कोई गिरवी रखने की चीज जरूरत है, और 2 करोड़ रुपए तक का जो लोन है आपको शीघ्र दिया जाए, ऐसा एक डायरेक्टिव है एमएसएमई मिनिस्ट्री का। उसके बावजूद कुछ ना कुछ हम लोगों में कमियां होती हैं, वो कमियां हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तंग कर रहे हैं, पर हम विचार